टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी हम सब्सटेंसेस को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हम लोगों को सब्सटेंस को सेपरेट करने की, यानी सब्सटेंस यानी पदार्थ कोई भी चीज़, तो उसे हमें सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसे सेपरेट क्यों करते हैं या किस तरह से करते हैं, वो सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, देर आर मेनी इंस्टेंसेज व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, यानी बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है अपने आसपास, इंस्टेंस इंसिडेंट होते हैं जिसमें हम लोग किसी न किसी चीज़ को किसी में से सेपरेट कर रहे होते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं तो हम चाय को छानते हैं क्योंकि चाय पत्ती को हम बाकी मिक्सचर से अलग करते हैं, ठीक है। तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। तो टी लीव्स, चाय पत्ती किससे सेपरेट की जाती है, स्ट्रेनर यानी छलनी से, एक लिक्विड में से, यानी वो जो दूध पानी का मिक्सचर होता है जब हम टी बना रहे होते हैं। इसके अलावा ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, यानी जो गेहूँ है वो या कोई धान है वो हम उसमें से सेपरेट करते हैं उसको जब हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम फसल को उतार रहे होते हैं, खेत में से निकाल रहे होते हैं। या फिर मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, यानी मिल्क को हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उसको उसमें से मक्खन निकालते हैं तो हम चीज़ें सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अ मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर वो होता है जो दो या दो चीज़ों से ज़्यादा से मिलके बना होता है, यानी उन चीज़ों को मिक्स किया हुआ होता है, इसलिए उसे मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अ मिक्सचर इज मेड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर रिटेन। तो मिक्सचर हम किसे कहते हैं, जब हम उनमें जो चीज़ें मिल रही है वो इस तरह से मिले कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी जो है वो उसमें लूज़ ना हो, ठीक है, वो उसमें बनी रहे। जैसे हवा, हवा एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, बट उसमें ऐसा तो नहीं है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिल जाती है, या ऑक्सीजन की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती है, नाइट्रोजन की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जिसमें उनकी खुद की प्रॉपर्टी बरकरार रहे उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। द डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कॉम्पोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक मिक्सचर में होती है, जैसे मिक्सचर में एयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, ये सारी क्या है, उसके कॉम्पोनेंट्स यानी पार्ट्स है या फिर कंस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, उसके हिस्से हैं और उन हिस्सों से मिलके ही मिक्सचर बनता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस तो पता है हमें क्या होता है पदार्थ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो साइंटिफिक टर्म्स में यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसमें किसी तरह का कोई भी चीज़ दूसरी मिक्स नहीं हो, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म्स में दो ही चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट हो करती हैं जो प्योर होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। और कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो O2 बन जाता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो O2 है क्योंकि O2 सारे का सारा किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन से मिलके ही बना है, इसलिए वो क्या है, प्योर एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस है, उसमें किसी तरह का कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैंने H2 वाटर बना दिया, तो वाटर अब क्या हो जाएगा, अलग तरीके का सब्सटेंस हो जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरीके के एलिमेंट्स मिक्स हो गए हैं, ठीक है। नाउ मैटर, वॉट इज़ मैटर, जो भी अपने आसपास चीज़ें हैं, जैसे ये चेयर है या डोर है या कोई भी बैग है या एनीथिंग, ठीक है, तो वो क्या है, सब कुछ अपने आसपास क्या है, मैटर। और मैटर किससे बना है, इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है वो सब मैटर होती है, और वो किससे मिलके बनी होती है, एटम से। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे वुड है, हमारे टेबल है, टेबल वुड से बनी है, वुड किससे बना है, छोटे छोटे एटम से बना है, इसलिए दुनिया में हर मैटर किससे मिलके बना होता है, एटम से, जो कि हमें दिखते नहीं हैं आँखों से पर होते हैं। मॉलिक्यूल, एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और एक एटम बहुत सारे एटम्स के साथ मिल जाता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। जैसे एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे से मिल जाए तो क्या बन जाएगा, O2। तो अब मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम का भी बन सकता है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ले लूँ मैं तो वो भी बन जाएगा। अगर मैं इसको अलग अलग एटम का ले लूँ, जैसे एक मैं लूँ कार्बन का और एक मैं लूँ ऑक्सीजन का, तो मेरे पास CO बन जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल किसका होगा, लेकिन अलग अलग एटम्स का। और वहीं मैं एक ऑक्सीजन लूँ और दूसरा ऑक्सीजन लूँ और O2 बना दूँ, तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सेम एटम का हो जाएगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम से भी बना हो सकता है और डिफरेंट एटम से भी बना हो सकता है।
जब भी दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो वो एक क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किससे बना होता है, O2 जो है हमारा, ठीक है, एक O2 किससे बना होता है, दो ऑक्सीजन के एटम से। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए एलिमेंट्स तो क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस हो गए और वो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी केमिकल मीन्स। तो ऑक्सीजन जैसे अकेला ऑक्सीजन है, ठीक है, या अकेला कोई आयरन है या अकेला कोई एल्यूमिनियम है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, इनको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये इसी तरह से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम इनको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उस मिक्सचर में क्या अलग अलग तरीके की चीज़ें मिली होती है, जैसे चाय में चाय पत्ती है, शुगर है, अदरक है, ठीक है, सब के सब अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं और उनसे मिलके वो मिक्सचर बन गया, इसलिए वो कैसा हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। क्योंकि सिर्फ अकेली शक्कर होती या सिर्फ अकेला दूध होता, सिर्फ अकेली चाय पत्ती होती तो वो प्योर होते, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है, ऐसी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाई जाती है। सब्सटेंस कैन इन अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी अमाउंट, किसी भी मात्रा में डाल सकते हैं। मैं चाय मीठी पीऊँ तो मैं ज़्यादा शक्कर डाल सकती हूँ, कोई कम पीता है तो कम डाल सकता है, कोई फीकी पीता है वो बिल्कुल ही नहीं डाले। तो मिक्सचर में हम अपने अपने अकॉर्डिंग से अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ कितनी डलेगी। और ज़्यादातर मिक्सचर्स को क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स, इन दो कैटेगरी में हम उसे डिवाइड करते हैं। ज़्यादातर मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर पाते हैं, पर कई कई मिक्सचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसे दो कैटेगरी में हमने डाला है। तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गए, जो कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, जैसे शक्कर और पानी है, ठीक है, शक्कर और पानी को मैं मिक्स करूँ तो मुझे बिल्कुल शक्कर पूरी पानी में घुल जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है देखने पे कि शक्कर का पानी है या नॉर्मल पानी है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हम कोई चीज़ मिक्स करें तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आपस में मिक्स हो जाए कि हमें बिल्कुल भी उसमें कोई फ़र्क नज़र ना आए, उसके पार्टिकल्स हमें अलग अलग ना दिखें, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेटरोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं हम, जिसका कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, वो हमें हर जगह से सेम नज़र नहीं आता है। जैसे मैंने ऑयल और वाटर डाला तो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है, तो वो मिक्स नहीं होने की वजह से मुझे क्या है वो अलग अलग जगह से अलग अलग नज़र आता है, कहीं तो तेल ज़्यादा दिखता है, कहीं तेल कम दिखता है, सारा का सारा तेल ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वो मिक्सचर कैसा हो गया, हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ की नीड ऑफ फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड मिक्सचर, हमें ज़रूरत क्यों है इन्हें सेपरेट करने की, ठीक है, हमें ज़रूरत क्यों है। तो हम पढ़ते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है, टू रिमूव हार्मफुल कॉम्पोनेंट। सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ है, मान लो हमारे गेहूं में हमने दवाइयाँ डाल के रखी है, उन दवाइयों से कीड़े तो मर जाएंगे, पर हमें उन्हें हटाना तो पड़ेगा ना खाने से पहले, क्योंकि हम वो केमिकल्स तो नहीं खा सकते ना। तो इसीलिए कभी कभी हार्मफुल चीज़ों को हटाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट है, सॉल्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम सी वाटर टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, एज सी वाटर इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। सी वाटर बहुत हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, उसमें आयन्स होते हैं ऐसे ऐसे जो चाहिए नहीं होते हैं बॉडी को, तो वो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्ट पानी में से उसका नमक हटाना पड़ता है, तभी हम ओशन वाटर या सी वाटर को यूज़ कर सकते हैं, सी वाटर को। सेकेंड, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल कॉम्पोनेंट्स, या कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं चाहिए होती हमारे मिक्सचर में, ठीक है, जैसे चाय पत्ती, चाय बनाई आपने तो चाय पत्ती थोड़ी ना पियेंगे अपन, तो वो ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूरत ही नहीं है जिसकी, क्योंकि उसका टेस्ट और उसका एसेंस तो हमने चाय में ले आया, तो उसे हमें हटाना पड़ेगा उसमें से। तो कभी कभी ऐसे ही हमारी दाल चावल में छोटे छोटे कंकर आ जाते हैं, वो हमें हटाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो हम खा नहीं सकते ना कंकर, तो कुकिंग करने से पहले उन्हें हटाना पड़ेगा। तो वो ऐसी चीज़ें अनडिज़ायरेबल जो हमें नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें हमें उसमें से हटानी पड़ेगी, इसलिए हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। थर्ड है, टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, कभी कभी कोई चीज़ इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या है, तो प्योर सब्सटेंस कभी कभी हमें ज़रूरत होते हैं, जैसे प्योर गोल्ड, एकदम बोला किसी ने 24 कैरेट गोल्ड चाहिए तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, तो हमें उसको किसी न किसी मिक्सचर में से हटाना पड़ेगा अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कॉपर को उसमें मिक्स करके या ऐसे कुछ मिक्स करके चीज़ें बना दी जाती हैं। फोर्थ, टू ऑब्टेन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स,
जैसे क्रूड ऑयल निकलता है, तो क्रूड ऑयल को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल में क्या बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, ठीक है, नेचुरल गैस। तो हमें उन चीज़ों को, यूज़फुल है वो सारी चीज़ें, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें काम आती है, तो उन चीज़ों को यूज़ में लेने के लिए हमें क्रूड ऑयल में से सेपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी हमारे यूज़ के लिए चीज़ें निकालने के लिए हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। सो द However, if was components are separated, then they can be put to a variety of uses. अब अगर हमने ये अलग अलग निकाल लिए, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, तो हम उन्हें अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज़ यूज फॉर रनिंग कार, पेट्रोल कार चलाने में काम आ जाता है, केरोसिन चूल्हा जलाने में काम आ जाता है, लाइटनिंग और कुकिंग के लिए, ठीक है, लैम्प्स जलाने के लिए, और डीजल हमारे काम आ जाता है बैटरीज यानी जनरेटर्स वगैरह में चलाने के लिए, या हैवी ट्रक्स चलाने के लिए, बसेस चलाने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ है, इसलिए हमने उसे सेपरेट करना पड़ा और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।